Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी. सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस. जस्टिन ट्रूडो का पूरे कनाडा को लॉकडाउन करने का ऐलान. कनाडा की तमाम सरहदें और फजाई रूट्स बंद कर दिए जाएंगे. कनाडा में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा. 4 अफराद हलाक हो गए. मुतासर अफराद की तादाद 441 तक पहुंच गई. टोरंटो में फायरिंग के सबब एक नौजवान जख्मी. पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात की जा रही है. मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब दीगर कारोबारों की तरह रेस्टोरेंट का काम भी शदीद मुतासर. रेस्टोरेंट की बहरान से निकलने की कोशिश. अमरीकी सदर का कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में आइंदा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर. हंगामी हालत का नफाज जुलाई और अगस्त तक रह सकता है. अमरीका में इंसान पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन का तजुर्बा. कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले जर्मन साइंसदानों ने सदर ट्रंप की पेशकश ठुकरा दी. चीन का अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा. चीन की जानिब से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां इंसानियत के खिलाफ हैं, जो ईरान में वबाई सूरत हाल से निमटने में रुकावट बन रही हैं. अमेरिकी सदारती इंतखाबात. जो बाइडेन ने नायब सदर के उम्मीदवार के लिए खातून का इंतखाब करने का ऐलान कर दिया. कोरोना वायरस की वबा बेकाबू हो गई. हलाकत खेज वायरस 162 ममालिक तक फैल गया, जबकि अब तक दुनिया भर में 7,177 अफराद की हलाकत का बाइस बन चुका है. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 18 मार्च के बाद से कोई भी गैर कैनेडियन शहरी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेगा. जान लेते हैं इस रिपोर्ट में. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पूरे कनाडा को लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया. 18 मार्च के बाद कनाडा की तमाम सरहदें और फजाई रूट्स बंद कर दिए जाएंगे. ये फैसला मुल्क के तमाम 10 सूबों में कोरोना वायरस फैलने और 313 तस्दीकशुदा केस रिपोर्ट होने के बाद किया गया. कनाडा में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 441 हो गई है. तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का ऐलान किया है. जारी किए गए पैगाम में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुध 18 मार्च के बाद से कोई भी गैर कैनेडियन शहरी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेगा. बयान में कहा गया है कि बैरून ममालिक में मुकीम कैनेडियन शहरियों को हिदायत की जाती है कि वो 18 मार्च तक मुल्क में वापस आ जाएं. 18 मार्च के बाद सिर्फ कैनेडियन शहरियों को ही मुल्क में दाखिल होने की इजाजत होगी. ताहम 18 मार्च के बाद कैनेडा से बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी. दूसरी जानब गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक कैनेडा के शहर टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैनकूवर कोरोना वायरस के बाद सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं. इस तमाम सूरत हाल में कैनेडियन हुकूमत ने हिदायत की है कि कैनेडा का हर शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त इकदाम करे, जिनमें महदूद सफर, बैरून ममालिक के सफर से वापस आने के बाद खुद को 14 रोज के लिए दूसरों से अलग रखना, आइंदा आने वाले हफ्तों तक पुरहजूम मकामात माशर्ती तकरीब से गुरेज करना और मुलाजमत पेशा अफराद का घरों में रहकर काम करना शामिल है. कैनेडा में ज्यादा केसेस का ताल्लुक सफर करने से है, लेकिन उसे फौरी तौर पर बदला जा सकता है. कैनेडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी है. कबल अजी कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अहलिया में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद अपनी फैमिली और खुद को दारुल हुकूमत ओटावा में रिहायशगाह में दूसरों से अलग रखते हुए इंटरव्यू में सरहद बंद करने का इंदिया दिया था, जबकि अब उन्होंने कैनेडा को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है. कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र ओंटेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने सूबे में इमरजेंसी का ऐलान किया है. उनकी जानिब से कहा गया है कि तारीख में इस किस्म के फैसले की मिसाल नहीं मिलती. यह फैसला आराम से नहीं किया गया. फोर्ड का कहना था कि इस ऑर्डर में 31 मार्च तक 50 से ज्यादा अफराद के अवामी प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की गई है, जिनमें परेड, तकरीबात और इबादत गाहों में खिदमात भी शामिल हैं. इमरजेंसी के नाफिज होते ही सूबे में अवामी मकामात, लाइब्रेरीज और स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि बार्स और रेस्टोरेंट्स को खाने की फराहमी और डिलीवरी के अलावा दीगर खिदमात से मना किया गया है. प्रीमियर की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए
$300 मिलियन के पैकेज का भी ऐलान किया गया है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के सबब मजीद 3 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। वायरस से अब तक 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क भर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 441 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 11 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के सबब मजीद 3 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। सूबे की हेल्थ ऑफिसर बोनी हेनरी की जानिब से इन हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है, जबकि उन्होंने बताया कि सूबे में मोहलिक वायरस के मजीद 103 केसेज सामने आए हैं। बोनी का कहना था कि वायरस से मुतासर 6 अफराद की हालत तशवीश है, जबकि बाकी मरीजों की हालत बेहतर है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मजीद 32 केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबे भर में केसेस की मजमूई तादाद 172 हो गई है। हुकाम की जानिब से वायरस के मुकामी सतह पर फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। क्वेबेक में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 50 हो गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब नुकसान उठाने वाले शहरियों की माली मदद का ऐलान किया गया है। टोरंटो से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, टोरंटो पैरामेडिक्स की जानिब से कहा गया है कि एक जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसके ऊपरी बाजू में गोली लगी थी। उसकी हालत तश्वीशनाक थी, तहम अब खतरे से बाहर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में एग्लिंटन वेस्ट के इलाके में फायरिंग के सबब एक नौजवान जख्मी हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्हें रात 10:45 के करीब वाकई की इतला मौसूल हुई। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि चंद राहगीरों ने नौजवान को जख्मी हालत में पाया, जिसकी इतला पुलिस को दी गई। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस जगह की तलाशी की जा रही है, जहाँ फायरिंग हुई थी। टोरंटो पैरामेडिक्स की जानिब से कहा गया है कि एक जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके ऊपरी बाजू में गोली लगी थी। उसकी हालत तश्वीशनाक थी, तहम अब खतरे से बाहर है। पुलिस की जानिब से मुश्तबा अफराद की कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। कुछ बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल में बड़े चेन के रेस्टोरेंट अपने काम के तरीके को बदल रहे हैं, जिनमें से कुछ टेक अवे और होम डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब दीगर कारोबारों की तरह रेस्टोरेंट का काम भी शदीद मुतासिर हो रहा है। चंद रेस्टोरेंट ने अपना काम बंद कर दिया है, जबकि कुछ इस बहरान पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तब तक उन्हें अपना काम बंद करने का नहीं कहा जाता। मॉन्ट्रियल में बड़े चेन के रेस्टोरेंट अपने काम के तरीके को बदल रहे हैं, जबकि कुछ इस बहरान पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तब तक उन्हें अपना काम बंद करने का नहीं कहा जाता। मॉन्ट्रियल में बड़े चेन के रेस्टोरेंट अपने काम के तरीके को बदल रहे हैं, जिनमें से कुछ टेक अवे और होम डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं, के कुछ ने इस किस्म की अलामत आवेजा की हैं कि जिनमें लिखा गया है कि रेस्टोरेंट में बैठने या रुकने की इजाजत नहीं है। रेस्टोरेंट मालिकान की जानिब से कहा गया है कि हमारी कोशिश है कि हमारे वो कस्टमर्स जो खाना नहीं बना सकते या क्रॉकरी स्टोर नहीं जा सकते, उन्हें खाना फराहम किया जाए, जबकि इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही है। अमरीका में मुकम्मल लॉकडाउन की इत्तला गर्दिश करने लगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप आइंदा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में आइंदा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। अमरीका में हंगामी हालत का निफाज जुलाई और अगस्त तक रह सकता है। तफसीलात के मुताबिक अमरीका भर में मुकम्मल लॉकडाउन की इत्तला गर्दिश करने लगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप आइंदा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू तर्ज का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया का कहना था कि मुतअद्दिद रियासतों में होटल्स तफरीही मकामात बंद कर दिए गए। अमरीका में हंगामी हालत का निफाज जुलाई अगस्त तक रह सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस से अमवात में कमी लाने में कामयाब हुए हैं। अपनी टीम से रोज पूछता हूं, कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल कब तक काबू में आएगी। खबर शामिल करते हैं। आपको बताया, बैन अलाक्वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी शहर स्टेल की एक लैब में पहली बार खातून पर इंसदाद कोरोना वायरस वैक्सीन का तजर्बा किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में तेजी से फैलते हलाकत खेज कोरोना वायरस से बचाव के लिए अमरीका में इंसान पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन का तजुर्बा किया गया है। बैन अलाक्वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी शहर सेटल की एक लैब में पहली बार खातून पर इंसदाद कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा किया गया। वैक्सीन के लिए खातून ने खुद को रजाकाराना तौर पर पेश किया है और ये वैक्सीन मजमू तौर पर 45 अफराद को दी जाएगी। अमरीकी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि तजर्बे की कामयाबी का इंतजार है। अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी में 1.5 साल लग सकता है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के करीब पहुंचने वाली जर्मनी की दवा साज कंपनी के साइंसदानों को सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खरीदने की कोशिश पर अमरीका और जर्मनी के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। जर्मनी के अखबार ने दावा किया है कि वैक्सीन की तैयारी के दौरान ही अमरीकी सदर ने जर्मन साइंसदानों से राबता किया और वैक्सीन के हुसूल के लिए भारी रकम देने का लालच दिया। सदर ट्रंप इस वैक्सीन के मालिकाना हुकूक के ख्वाहिशमंद थे, ताकि दुनिया भर में जिसे भी वैक्सीन की जरूरत हो वो अमरीका से खरीदे।
कुछ बात करेंगे चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अमरीका ईरान पर से आयद पाबंदियाँ हटाए ताकि ईरान अपनी मईशत को सहारा देने समेत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी आलमी तआवुन हासिल कर सके जो इनके अवाम का हक है। चीन ने अमरीका से ईरान पर आयद पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जेंग शुआंग का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ इंसानियत के खिलाफ हैं जो ईरान में वबाई सूरत हाल से निमटने में रुकावट बन रही है। पाबंदियों के बायस ईरान अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी इदारों की जानिब से दी गई इमदाद से भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। उन्होंने अमरीका से कहा कि वो फौरी तौर पर मज़कूरा पाबंदियाँ हटाए ताकि ईरान अपनी मईशत को सहारा देने समेत कोरोना से लड़ने के लिए भी आलमी तआवुन हासिल कर सके जो इन की आवाम का हक है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मीडिया की खुद पर तनकीद के बाद चीन को अपनी लफ्जी निश्तरों का निशाना बनाते हुए कोरोना को चीनी वायरस का नाम दिया है। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस का नाम चीनी मीडिया की नुकता चीनी के बाद दिया है। ख्याल रहे कि चीनी मीडिया ने कोरोना वायरस बेकाबू होने पर ट्रंप पर शदीद तनकीद की है। अमरीकी साबिक नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारत की नामजदगी के लिए उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि पार्टी की नामजदगी हासिल होने की सूरत में नायब सदर के उम्मीदवार के लिए वो खातून का इंतखाब करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी साबिक नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारत की नामजदगी के लिए उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि पार्टी की नामजदगी हासिल होने की सूरत में नायब सदर के उम्मीदवार के लिए वो खातून का इंतखाब करेंगे। जो बाइडन ने ये बात डेमोक्रेट पार्टी के मुवासे में हिस्सा लेते हुए कही। उनके इस ऐलान से कबल ही कयास सराइयां की जा रही थी कि नायब सदारत के ओहदे के लिए उनके साथ खातून इंतखाब में हिस्सा लेंगी। मीडिया की इतलात में जो बाइडन के साथ नायब सदारत के उम्मीदवार के लिए सदारती नामजदगी की दौड़ से दस्तबरदार होने वाली तीनों खवातीन सेनेटर कमाला हैरिस, एमी क्लोबोशर और एलिजाबेथ वॉरन के साथ साथ जॉर्जिया के गवर्नर के लिए साबिक उम्मीदवार स्टेसी एब्राम्स का नाम लिया जा रहा है। मौलिक और नए वायरस ने वबाई शक्ल इख्तियार करने के बाद सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में अब तक 2.25 लाख अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा बेकाबू हो गई। हलाकत खेज वायरस 162 ममालिक तक फैल गया जबकि अब तक दुनिया भर में 7,177 अफराद की हलाकत का बाइस बन चुका है। तफसीलात के मुताबिक मौलिक और नए वायरस ने वबाई शक्ल इख्तियार करने के बाद सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में अब तक 2.25 लाख अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इसके तेजी से फैलाव को ताहाल रोकने में मेडिकल टीमें नाकाम है। ताहम हौसला अफजा बात यह है कि सेहत याबी का सिलसिला भी जारी है और अब तक 79,908 अफराद इस मौलिक वायरस सेहतयाब हो चुके हैं। चीन में हलाकतों की तादाद 3,226 तक पहुंच गई जबकि 80,881 लोग मुतासर हो चुके हैं। वायरस से चीन के बाद सबसे ज्यादा अमवात यूरोपीय मुल्क इटली में हुई जिनकी तादाद 2,158 है जबकि मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 27,980 हो चुकी है। तीसरे नंबर पर जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर हुआ वो ईरान है जहां वायरस से 853 अमवात हो चुकी हैं और मजमूई मुतासरीन की तादाद 14,991 है। चौथे नंबर पर स्पेन है जहां 342 अफराद हलाक हो चुके हैं और 9,942 लोग वायरस से मुतासर हैं। वायरस से फ्रांस में 148, जापान में 28, इराक में 10 अमवात वाकई हुई हैं जबकि स्विट्जरलैंड में 19 और बरतानिया में 55 हलाकतें हुई हैं। फलस्तीन में कोरोना मुतासरीन की तादाद 39 हो गई है जिसके बाद सयाहों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत में भी वायरस के 129 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।